सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा लो, आप लोगों को प्लम्बिंग के बारे में नया नया आइडियाज और बहुत सारा जानकारी मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, जो आप लोग अगर कभी भी एसेसरी फिटिंग करते हो, जैसे कि डायवर्टर, मेट्रोपोल, फ्लैश कॉक, ईटीसी, कोई भी फिटिंग करते हो, बाथरूम के अंदर एसेसरी कोई भी फिटिंग आप लोग करते हो, तो आप लोगों को एक कैटलॉग रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कैटलॉग में दिया हुआ रहता है लीकेज, वाटर लीकेज प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन, वो सब दिया होता है। जितना पार्ट्स है डायवर्टर का, एक एक पार्ट्स का नाम दिया हुआ है। जैसे कि प्रॉब्लम अगर लीकेज करे फ्रॉम स्पेंडल ऑफ बटन असेंबली, अगर स्पेंडल बटन से लीकेज करे तो आपको ओरिंग चेंज करना पड़ेगा। ओरिंग पार्ट नंबर 10, ओरिंग पार्ट नंबर 10 यानी कि पार्ट नंबर 10 यहाँ पे ओरिंग लगता है, जो है डंडी में ओरिंग लगता है, यहाँ पे देख सकते हो पार्ट नंबर 10, मतलब कि यहाँ पे प्रॉब्लम बताया हुआ है और यहाँ पे प्रॉब्लम का कौन सा पार्ट वो प्रॉब्लम से सॉल्व होगा, वो कौन सा पार्ट चेंज करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे पार्ट नंबर बताया हुआ है। यहाँ पे पूरा डिटेल में दे दिया हुआ है, एक एक पार्ट का नाम, डायवर्टर में एक एक पार्ट का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे इसको उल्टा के देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे भी सब पार्ट का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि नंबर 1 में है ओरिंग, ओरिंग है नंबर 1 में, 2 नंबर में अपर बॉल कैप, ये अपर बॉल कैप यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी है यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट नेम, यानी कि नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 पार्ट, नंबर 3 पार्ट का नाम पूरा दिया हुआ है। जितना भी पार्ट है डायवर्टर के अंदर सबका नाम दिया हुआ है, सब कितना कितना नंग भी लगा हुआ है वो भी दिया हुआ है। जैसे कि कैप 1 नंग लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो ओरिंग, ओरिंग यहाँ पे 2 नंग लगा हुआ है, ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है। आप लोग कभी भी अगर डायवर्टर का काम करो तो आप लोग कैटलॉग का, कैटलॉग आप लोग हमेशा रखो, क्योंकि कैटलॉग में भी बहुत सारा जानकारी मिल जाता है। जैसे कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो भी आप लोगों को पता चल जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम इतना जाना चाहिए, इतना टाइल के अंदर होना चाहिए और मिनिमम इतना होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो फिनिशिंग टाइल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको मेट्रोपोल और डायवर्टर ओपन करके दिखाने वाला हूँ, क्या महत्व रहता है मेट्रोपोल और डायवर्टर का बाथरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, क्या नहीं आता है, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं मेट्रोपोल ओपन किया हूँ, इसका एक फ्लांज है और फ्लांज में एक वाइसर आता है जो टाइल के ऊपर वो मेट्रोपोल में चिपक के बैठता है। और यहाँ पे दिया हुआ है FABT का, वो 1.25 इंच का है थ्रेड, ये 1.25 इंच का मेट्रोपोल है। इसका 1.5 इंच का भी मिलता है, आपका प्रेशर कहीं पे स्लो है तो वहाँ पे 1.5 इंच का भी आप लोग लगा सकते हो। अगर आपका फर्स्ट फ्लोर का बंगला है तो आप बिल्कुल भी ये ना लगाए, आपको ओपन फ्लास्टिंग नहीं तो कंसील फ्लास्टिंग लगाना पड़ेगा। ओपन फ्लास्टिंग जो है वो सस्ता पड़ता है और कंसील फ्लास्टिंग जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, आपके बजट के हिसाब से वो लगाना पड़ेगा आपको। मैं अभी इसके अंदर का जो पर्स है मैं उसको खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। नट खोलने के बाद में ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का कवर आपको लगा के रखना पड़ेगा, टाइल लगने के बाद में ये ओपन करके इसका प्लेट लगाना पड़ेगा। प्लास्टिक का कवर अगर आप खोल के रख देते हो पहले और मेट्रोपोल लगा देते हो तो आपका पूरा मेट्रोपोल का में एक दाग जैसा आ जाएगा, क्योंकि वो टाइल वाले लोग लगाएंगे, सीमेंट वीमेंट सब लगाएंगे तो आपका मेट्रोपोल मतलब कि देखने में ख़राब हो जाएगा, तो आपको प्लास्टिक का वो लगा के रखना है। यहाँ पे देख सकते हो वाइसर थोड़ा टाइट हो गया था, तो तेल टाइप कोई भी चीज़ हो तो आप उसमें लगा के अगर उसको प्रेस करो तो तुरंत अंदर जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो इनलेट और आउटलेट है, इनलेट में लगता है MABT और आउटलेट में लगता है FABT। ओपन और क्लोज, यहाँ पे ओपन क्लोज का भी ये दिया हुआ है, और इस साइड क्लोज, इस साइड में क्लोज होता है और उल्टी साइड में ओपन होता है। ओपन क्लोज करने के लिए भी उसका सिस्टम दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है एक FTA नट, FABT नट, मेल एडेप्टर ब्रास थ्रेडेड, इसमें अंदर एक वाइसर भी दिया हुआ है ब्लैक वाला। यहाँ देख सकते हो, मैं आपको वाइसर खोल के दिखा देता हूँ, ये वाइसर है। और FABT से लीकेज करने का चांसेस रहता नहीं है, क्योंकि वो आउटलेट है जो टॉयलेट में तुरंत ही निकल जाता है, आप पुश करो तभी पानी आएगा, FABT में लीकेज का चांसेस नहीं रहता है। FABT को फिर भी आपको जो पाना होता है पाना से आपको टाइट करना पड़ेगा, और यहाँ पे लगता है MABT। FABT का मतलब है फ्रेंड्स मेल एडेप्टर ब्रास थ्रेडेड, MABT का मतलब है मेल एडेप्टर ब्रास थ्रेडेड, और ये FABT का जो मतलब है फीमेल एडेप्टर ब्रास थ्रेडेड, मेल फीमेल, आपको समझ में आ गया होगा देख के। और इसको आपको हमेशा टेफ्लॉन टेप से, जो थ्रेड सील टेप होता है
वो देखे ही लगाना पड़ेगा, मैं ऐसे ही आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये ऐसे ही लगता है, ये ओरिजेंटल लगाओ या वर्टिकल लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपके हिसाब से, आपका आर्किटेक्ट का प्लान के हिसाब से आप लगाओ ये। इसको बहुत लोग बोलते हैं वर्टिकल नहीं लगता है, वर्टिकल भी लगा सकते हो, ओरिजेंटल भी, जो खड़ा भाव से लगा सकते हो और आड़ा भाव से भी इसको लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे तीर का जो मार्किंग दिया हुआ है, जो आउटलेट तीर का मार्किंग जिस तरफ जाता है वो आउटलेट होगा, ऊपर से जो तीर का मार्किंग आता है वो इनलेट होगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को डायवेटर ओपन करके दिखाता हूँ, डायवेटर का पैक कटिंग करता हूँ। आपको मैं बता दूँ बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात, जो आपका कभी भी ये मेट्रोपोल डायवेटर खराब हो जाता है तो सीधा आप कंपनी वाले को फ़ोन करो, क्योंकि आप प्लम्बर को फ़ोन करोगे तो प्लम्बर के पास इसका मटेरियल नहीं रहता है। मैं आपको थंबल में बताया हूँ, जो प्लम्बर को ये कैटलॉग देख के वो सब मटेरियल का नाम जानता है वही प्लम्बर काम कर सकते हैं, वरना आप कंपनी वाले को फ़ोन कर लो तो तुरंत हो जाता है, तुरंत हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों के पास सब मटेरियल रहता है इसका। ऐसे ही 10 साल का वारंटी रहता है कोई भी कंपनी का भी, जैसे कि प्लम्बर, कोलार, जेगुआर, ये सब में 10 साल का वारंटी रहता है। उसका एक टोल फ्री नंबर आता है वारंटी कार्ड में, वो आपको सेव करके रखना है और 10 साल तक आपको सर्विस मिलता रहेगा। आप प्लम्बर को फ़ोन करोगे आपको खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा, आप कंपनी वाला को फ़ोन करोगे तो आपको सस्ता में हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो मैं पौने भाई आधे का MABT सब में फिट कर रहा हूँ, इसको सब में टेफ्लॉन टेप देके फिट करना है, उसके बाद में आपको लगा के रखना है। वो प्लास्टिक का जो कवर मैं आपको बोला हूँ वो टाइल लगने के बाद में आपको निकालना है, उसके बाद में उसके ऊपर जो प्लेट आता है प्लेट बिठाना है। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दिया था पूरा इंस्टॉलेशन का तरीका दिया हुआ है। आपका कभी भी आप कोई चीज़ लगा नहीं पाते हो तो आप डायरेक्ट, आपको दिमाग में समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लगा दो, आप सीधा कंपनी वाले को फ़ोन करो, आपको कंपनी वाला आके पूरा उसका इंस्टॉलेशन का पूरा सॉल्यूशन आपको देके जाएगा। अगर आपको कैटलॉग समझ में नहीं आता है तो आप जैसे थर्मोस्टेट मंगवाते हो, कुछ भी मंगवाते हो, आपको कंपनी वाला से एक बार सजेशन ले लेना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको आता है या तो फिर आपके हिसाब से फिटिंग करो, क्योंकि अगर एक बार कंपनी वाला से सजेशन ले लोगे तो आपको ज़िंदगी भर आप वो काम सीख भी जाओगे और इजीली कर भी पाओगे। क्योंकि बहुत नए लोग होते हैं जो लगा नहीं पाते, उल्टा लगा देते हैं डायवेटर को भी, स्पॉट की जगह सावर, सावर की जगह स्पॉट कर देते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया तो लाइक करो यार, लाइक करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखो, ऐसी प्लम्बिंग के बारे में नए नए आइडियाज़ और बहुत सारा जानकारी पाने के लिए। अगला वीडियो मैं लाने वाला हूँ वाटर प्रूफिंग के बारे में, तो चलिए।